छोटा छोटा बच्चा कैसे उठ गया। हाँ सही बात है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये नंगा पंगू, इतना नंगा पंगू कौन रहता है भाई, रात में ऐसा कौन छोता है, गंदी बात होती है। बोलो हेलो फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ और अब देखिए मेरा उठने का तरीका, मैं ऐसी उठती चिल्ला के बताती हूँ मम्मा को कि मम्मा मैं उठ चुकी हूँ और मैं ऐसे ही नंगे पंगू रहती हूँ, है ना, मैं ऐसे ही नंगो पंगू बोलती हूँ। राधे राधे, हाय हाय वीरो बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, पूरी कर दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। अरे भाई कहाँ से मार रहा है, टाइम दोपहर के बज रहे हैं एक, और जो है मैं थोड़ा आज लेट सो के उठी थी, ठंड है तो आराम करना चाहिए खूब। मैं बिल्कुल हाथ धो के तैयार हो चुकी हूँ, अब मुझे प्रणवी को रेडी करना है। हाँ देखो वो कैसे चिल्ला रही है। हाँ उसका चिल्लाना सबसे पहले शुरू हो जाता है भाई, उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना, इसीलिए दिन का थोड़ा टाइम रहता तो थोड़ा हम लोग भी रिलैक्स रहते हैं। अब बस इसको थोड़ा सा इसको तैयार व्यार करके बिल्कुल करके फिर आप लोगों से बात करती हूँ मैं। बाबू तैयार हो गई थी और ये तैयार होने के बाद ये हो रही है मम्मा की पिट्टी। ये क्यों हो रही है भाई, ये क्यों मम्मी को पीटा जा रहा है, क्या गुनाह कर दिया भाई हमने, हैं क्या कर दिया। अब बोल दो अब हम छोएंगे, अब मेरा स्लीपिंग टाइम है, फिर मैं खेली खेली करूंगी अपने फ्रेंड डमरू के साथ। बोलो येलो 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 मैचिंग हो गई, येलो येलो मैचिंग हो गई, आय आय ओह। और मैंने अपना खाना वाना सब बना लिया, मेरा डिनर का काम हो गया है और ये भी भूखर उठ गई है। शाम के इसको इसके पापा की स्ट्रीम का टाइम होता है शाम को 7 बजे से, उसके बाद क्या होता है जैसे अगर ये सो रही है तो उठ के मतलब मैं डिस्टर्ब भी ना करूँ आराम से स्ट्रीम देखती है। अब इसके पापा स्ट्रीम कर रहे हैं लेकिन वो इससे बात नहीं कर रहे होंगे तो वो चिल्ला रही है। अभी देखो हम जाएंगे तो हम देखेंगे अंदर उसकी कैसे उसकी आवाज़ हो रही होगी और वो किस तरीके से बात करेंगे, पहले हम चुपके चुपके देखेंगे फिर मैं आपको देखूँ। इसके पापा की स्ट्रीम चल रही है और ये भी लेटी हुई वही चिल्लाती है, और ये चिल्लाती है ऐसे जैसे कि इसको पता नहीं कितना वो कर दिया हो क्योंकि ये इससे बात नहीं कर रहे हैं इसलिए। और अभी देखो जब मैं जाऊंगी और मैं बात करूंगी तब पता चलेगा क्या हुआ भाई, पता क्या हो गया। नहीं क्यों रोना आ रहा है इतना, ये चिल्लाना आ रहा है रोना आ रहा है, पापा बात नहीं कर रहे। अच्छा पापा बात नहीं कर रहे हैं आपसे, अच्छा पापा की पिट्टी कर दूं फिर, नहीं करूं पापा की पिट्टी, कौन करेगा पापा की पिट्टी, बाबू करेगी, पापा बात नहीं कर ले मेरे बेबू के साथ, अपना खेलने लग ले है। अच्छा ये तो बहुत गलत बात हो गई भाई, भाई ऊपर ये आ गया बंदा, ये आ गया बंदा मार दिया भाई, मार दिया ये गाड़ी में। अब मम्मा पहले बाबा को खाना दे आए, बाबा को भूख लग रही है ना, डिसेबल है फिर बाबू के साथ हम खेलेंगे। ये भाई बहुत लड़की, इसका ध्यान अपना अपने तो ध्यान किसी की कुछ भी कर रही है। हाँ तो ये चिल्ला चिल्ला के अगले मैंने कहा आवाज नहीं आ रही, भी देखा तो तेज तेज जिसकी आवाज आ रही है, गलत है ना ये चीज, इसको ये लड़की को अभी रुक जा तू, आओ पापा की कह रहे हैं गलत आदत पड़ गई, अभी बताता हूं ऐसी पिटी कराएगी, चिल्लाते बाबू ऐसी बात करेगा मेरा बेटा, ऐसी बात करेगा ये शैतान वाला, उस बंदे को मार दिया क्या? पापा बोलने शैतान हो गई है, अब मैं जाके किचन में जाऊं थोड़ा सा काम रह गया है बस, ठीक है मैं अभी किचन से होके आती हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है
बस मेरी खिचड़ी बन गई है, खिचड़ी इसके बाबा को मैं दे दूँ, फिर उसके बाद तो फिर मैं बस पूरा टाइम सिर्फ बाबू के साथ खेलेगी मम्मा, पूरी रात बाबू के साथ खेले खेली होगी, फुल नाइट पार्टी चलेगी है ना, फुल नाइट पार्टी चलेगी हमारी, फुल नाइट पार्टी चलेगी मम्मा बाबू की, है ना। अभी आती है मम्मा, अभी आती है, अब देखना जब जब ये मैं बाहर जाऊंगी और इसकी फिर दोबारा से इसका चिल्लाना शुरू हो जाएगा। चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता है कि रो रही है, इसका मतलब ये होता है कि क्यों सब बाहर हो, इधर आओ मेरे पास, यहाँ बैठो, यहीं बात करो। जब भी छोटी थी तो सब मेरे को बोलते थे इतनी बात मत करा करें, से बात तो नहीं हो जाएगी, बात तो नहीं हो जाएगी। तो आज पता चला फाइनली कि सब बिल्कुल सही बोलते हैं और ये सच में ही बहुत ज़्यादा बातों नहीं हो गई है। और अभी आप देख सकते हो ये इसकी आवाज़ कैसे आ रही है, इसका चिल्ला इसका ये कि बस मेरे साथ खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। आप भी आवाज़ सुन रहे होंगे वीडियो में कि हाँ ये कितना चिल्ला रही है। चलो अब बाकी काम सारे बाद में, पहले जरा मैं इसको थोड़ा इसके साथ खेलूँ और इसको थोड़ा चुप कराऊँ। मैं किचन का काम ख़त्म करने गई थी और ये मैडम यहाँ पर इनको सीधा लिटाया था मैंने, यहाँ से ऐसे सीधे थी और ये सीधे होके ये ऐसे हो चुके हैं और इसकी बात चल रही है अपने डमरू के साथ, खेली खेली हो रही है। 42 MG 42 बहुत सही है वो। चेरी, ये चेरी को क्या हो गया, ऐसे ऐसे खेला जा रहा है। मम्मा सीधे लिटा के गई थी, कितनी ठंड हो रही है पता भी है आपको, इसे ढक लो, ढक के खेलो। देखो हमने पापा को देख रही है पीछे मुड़ मुड़ के, जिसका टॉय है फेवरेट टॉय डमरू, जिसके पापा ने इसका नाम रख रखा है डमरू। पीछे से भी आ गए भाई। अरे इस टाइम ये देख रही है अपने पापा की स्ट्रीम, क्योंकि उनका भी शाम को हिस्ट्री उनका टाइम होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा वो कर रही हूँ, मैं रोज़ रात को सोने से पहले मैं क्या पीती हूँ, मैं जायफल पीती हूँ अपने पेटू को ठीक रखने के लिए और दूसरा सर्दी से बचने के लिए। आजकल ठंड है ना तो हम लोग रात में इसको थोड़ा सा जायफल घिस के दूध के साथ या हल्के से गर्म पानी के साथ देते हैं, दूध का मतलब जो इसका जो हम पिलाते हैं इसको, और फिर ये मुष्टि करती है रात को, ये मुष्टि करती है रात को। अब आपको सोना है ना, दीवारों में से भी पार हो जाती हैं गोलियां हैं। आप सबको बाय बाय कर दें, फिर क्या कहते हैं मेरे बेटा, ओए बे मम्मा को पिटी कैसे करता, मामा की पिटी कैसे करता, पीछे करता मामा की पिटी, पीछे करता मामा की पिटी, अच्छा अब डमरू के साथ क्या करोगे, इतनी डमरू के साथ इतना खेला खेला रहा था आपको। ये भैया उसे बहुत पीटती है, डमरू से लड़ती है और पीटती है उसे पकड़ी। ऐसे कुछ क्यों आता है डमरू के साथ, ऐसे कुछ कर लेगा, छोटे बच्चे इतना कुछ थोड़े करते हैं ना, इतना चिल्लाते हैं, लेकिन आप तो इतना चिल्लाते हो। अब हम सोएंगे, अब मेरा बेटा सोएगा, आप सबको बोल दो कि अब हम कल मिलते हैं नए नए ब्लॉग के साथ, नई मस्ती के साथ, सबको बता दो। हाँ बताओ, बताओ हाँ। और जो भी लोग हमारे चैनल्स को देखते हैं सब्सक्राइब जरूर 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 करें। Bye bye.